कल्याण जी जाना, मैं खबर 24 के माध्यम से एक बहुत ही प्यारा आज ऑफिस कंपनी का महाराष्ट्र बजट, उस महाराष्ट्र बजट में एक मराठी मानुस कुछ करके दिखाया, होता ना मी आता केला, हाँ मतलब उन्होंने कुछ करके देखा है महाराष्ट्र बाजार पे, जो सोच था वो सोच उनका सपना आज पूरा हो रहा है। एक बहुत ही बड़ा मॉल, एक बहुत ही बड़ा शॉप का उनका उद्घाटन हुआ है। उनका संचालक, उनके मालिक मेरे बड़े भाई, उनका नाम है कौतिक सर। कौतिक सर, सबसे पहले आपको खबर 24 के माध्यम से आपको मैं नमस्ते करता हूँ। क्या कहोगे आपका ड्रीम प्रोजेक्ट आज उद्घाटन हुआ? नमस्कार सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने जो सोचा था कि एक दादर में बड़ा सुपर मार्केट बनाऊंगा, अब ये बड़ा सुपर मार्केट बन गया है और आज उसका मतलब पूजा हो गई है और कल से शुभारंभ हो जाएगा। और ये जो मॉल है पूरा एसी मॉल है, इसमें पूरा टोटल सामान ग्रोसरी मिलेगा और ये सब लोगों के लिए, सर्व सामान्य जनता जो है वो सबके लिए ये है। यहाँ पे उनको डिस्काउंट मिलेगा, बख्शीश मिलेगा, ऑफर मिलेगा और बाहर से सस्ता सामान मिलेगा और अच्छी क्वालिटी मिलेगा। यही मतलब महाराष्ट्र में मराठी इंसान कुछ करके देखा है। यस सर, सर मैंने ऐसा ये किया है कि अपना जो सर्वसामान्य भी है उनको एक व्यवसाय बनाने का है, सबको व्यवसाय देने का है। नौकरी जो करता है उसको ज़्यादा कुछ इनकम मिलता नहीं है, लेकिन जो व्यवसाय करता है उसको बहुत सारा पैसा मिलता है। और आजकल पैसा अगर मिलता है तो सब हो गया, पैसे का कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके लिए हम लोग ऐसा किया कि मराठी आदमी बिजनेस में आता नहीं है तो उनको यहाँ पे बिजनेस में लाते हैं। और हमारे पास अभी कम से कम 8,500 ग्राहक है, उसमें से मैंने 1,000 ग्राहक को व्यवसायिक बना दिया है। क्या बात है, क्या बात है। मतलब जो सीप बड़ा पाव जो सीप सरा ने शुरू किया था, ऐसे महाराष्ट्र बाजार पर हमारे कौतिक सर ने वो शुरू किया है। क्या बात है सर। और एक बात कहना है आपसे, आपकी पूरी फैमिली की पूरी मेंबर यहाँ पर आए हैं और सब खुशी का नजर है, सब खुशी है, खुश है सब। आपकी मम्मी आए हैं, आपकी वाइफ है आपके साथ में, आपकी पूरी फैमिली मेंबर है, सबकी एक ही जवान भी एक ही है, बस हमारा भाई ने कुछ करके देखा तो कितना खुशी मिलता है जब फैमिली के लोग जब बोलते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर, ये तो मेरे फैमिली है, लेकिन ये जो पूरा भी ग्राहक सेवा सब जो लोग है ये मेरा पूरा फैमिली है। मैं ऐसा बोलता हूँ कि मेरा एक अकेले का सिर्फ 4-5 लोग फैमिली है, लेकिन आज जितने भी ग्राहक है 8,500 ग्राहक, ये मेरा पूरा फैमिली है और मैं मीडिया से बहुत ज़्यादा कार्य करता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और सबसे और एक लास्ट में एक बात बोलना चाहता हूँ सर, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके गोल्ड मेंबर है, डायमंड मेंबर है, जिनकी वजह से आपकी और ज़्यादा तरक्की होता है, ज़्यादा मेंबर बनते हैं, उनके लिए क्या बोलते हैं? जी मेरे पास ऐसा है कि अभी जो ग्राहक है वो ग्राहक खुद सामान लेते हैं और दूसरे को बताते हैं तो उनको हम लोग रेफरल पॉइंट देते हैं। रेफरल पॉइंट उनको ऐसा मिलता है कि जो नौकरी में नहीं कमा पाते हो, यहाँ पे कम से कम 20,000 25,000 50,000 लोग यहाँ पे रेफरल पॉइंट लेने वाले, पॉइंट मिलता है वो कन्वर्ट करते पैसे में आता है। और ऐसे भी सारे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने थाईलैंड विन किया है, बाय प्लेन जाएंगे, गोवा विन किया है। अभी लास्ट महीने में हमने 100 फैमिली को लेके गए थे लोनावड़ा, 2 दिन का टूर किया था, वहाँ पे रह के बंगलो था, खाना पीना सब फ्री। अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि जो किराना सामान खरीदी करके उनको ऐसा पिकनिक मिलता है। लोग इतने खुश हो गए, बहुत ऐसा लगा, वो बोले कि हम मतलब अभी 25 साल हो गए शादी को, कभी हमारे लोगों ने हमको इतना मतलब ये नहीं इतना खुशी नहीं दिया है जैसा महाराष्ट्र बाजार पेट ने दिया है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस महाराष्ट्र बाजार में, मैंने सुना है कि कुछ लोगों को अगर आप जुड़ते हो तो आपको जिंदगी भर के लिए आपको फ्री में आपको अनाज मिलता है उसी इंसान को जो जुड़वाता है, तो ये सच बात है क्या? यस सर, यहाँ पे कैसा है कि मतलब सामान हम फ्री देते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी सामान फ्री देगा ना, अगर मैं सामान फ्री दूंगा तो यहाँ पे बहुत सारा लाइन लगेगा। तो यहाँ पे कैसा है कि हम लोग जो बाहर सामान लेते हो वही यहाँ से सामान लेते हैं, यहाँ पे डिस्काउंट भी मिलता है, ऑफर बख्शीश सब मिलता है। लेकिन अगर सामान अच्छा लगता है तो हम हमारे दोस्त लोगों को किसी रेडियो को बताते हैं, तो वो यहाँ पे सामान लेके लेते हैं तो उनका जिसने बताया उसको रेफरल पॉइंट देते हैं। ओके, समझो कि ऐसा 10-15 लोगों को बताया, उन्हें 2,000 का सामान लिया, तो जो आदमी बताने वाला है उसको कम से कम 1,000-1,200 का रेफरल पॉइंट मिलता है, तो उनका सामान फ्री हो गया ना सर जिंदगी भर के लिए। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो देखिए भाई ये कौन करके देगा भाई, कोई नहीं करके देगा भाई, तब तक मैं जुड़ा हूँ इनके साथ में भाई, मेरा सामान फ्री मिल जाए मुझे, मैं गरीबों के एक्टर हूँ, मैं कुछ गरीब आदमी हूँ, लेकिन मेरे को इनको मिलने के बाद मैं करोड़पति बन गया भैया, थैंक यू सो मच। और एक बार मतलब यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि कल्याण जी जाना
गए, 2 महीना हो गया मिलके, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा। मैं एक ही कहना चाहूँगा मीडिया से और मेरे ग्राहक से, मेरे परिवार से, कि जो भी कल्याण जी के साथ में एक दिन रहेगा, जो भी एक दिन रहेगा वो कभी दुखी नहीं होगा, वो सुखी रहेगा। क्योंकि कल्याण जी का एक भी गुण अगर वो आदमी लेता है, एक भी गुण अगर लेता है, तो वो आदमी सुखी होगा, कभी दुखी नहीं होगा। और कल्याण जी जाना, ये महाराष्ट्र बार बैठ के ब्रांड एम्बेसिडर है कल्याण जी, जाना ब्रांड एम्बेसिडर। तो भाई और बहनों, मैं ब्रांड एम्बेसिडर बन गया हूँ, तो मुझे तो फ्री में से मिलेगा। भाई भाई जो भी भाई देख रहे हैं भाई, ये आना इधर जरूर, नहीं तो मैं रात को सपने में आ जाऊंगी। हो महाराष्ट्र बजट बेट में आपको आना है और सामान लेना है और घर पे बनाना है क्या? अरे खाना और क्या बनाओगी, खाने का सामान तो मिलता है। तो भाई आप लोग आना जरूर। मालूम है कहाँ आना है? मुंबई में उतरने को दादर में, और इसमें आने को बहुत ही अच्छा मॉल है ये मॉल। पहले मॉल पे आके और पकड़ लेने का, किसको? कौतिक भाई को, और सामान ले लेने का, पैसा देना फ्री में नहीं है। हाँ तो भाई साहब का नमस्कार, थैंक यू सो मच कौतिक सर जो मुझे यहाँ पर बुलाया, और थैंक यू सो मच खबर 24, थैंक यू सो मच जितने भी यहाँ पर उनके मेहमान आए हैं, इन सभी को मेरा दिल से मेरा प्रणाम। थैंक यू सो मच, हमारे बहुत सारे मेहमान यहाँ पर आए हैं, मैं उन सभी को दिल से धन्यवाद करता हूँ।